हालांकि मैं इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हालांकि उसने दवाई ले ली है, पर फिर भी उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। हालांकि वो एक अच्छा टीचर है, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ाता है। भले ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे ज़रा भी चोट नहीं आई। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, यदि आपने पार्ट वन को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए पहले, क्योंकि उसमें मैंने सारे रूल्स को बताए हैं। ये पार्ट टू है, इसमें हम लोग सिर्फ सेंटेंसेस को देखेंगे। स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ऑल्दो, दो या इवन दो। इसका मतलब होता है हालांकि। जब भी हालांकि या यद्यपि, भले ही, अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो तो आपको ये तीनों कंजक्शन में किसी एक का यूज करना होगा। उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस, हालांकि के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा उसको लिखेंगे, और लगाएंगे उसके बाद कमा। वो सेंटेंस ख़त्म होगा, एंड में आपको कमा लगाना पड़ेगा, कमा लगाना ज़रूरी है। कमा लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे हाउएवर, या नहीं तो इवन देन, येट, स्टिल या देन ऑल्सो। इन पाँचों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हिंदी सेंटेंसेज में जो ये सब वर्ड्स आते हैं, लेकिन फिर भी, उसके बावजूद भी, पर इन सभी सेंस को मीनिंग देने के लिए हम लोग इन पाँचों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक रूल है, यदि आप ऑल्दो का यूज करते हैं तो आपको केवल येट का यूज करना होगा, ये करेक्ट माना जाता है। यदि आप चाहे तो स्पोकन इंग्लिश में इन सभी को अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ कमा देंगे और उसके बाद इन पाँचों में से किसी का भी यूज नहीं भी करेंगे तो आपका मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग में कोई चेंजेज नहीं आएगा। हालांकि आजकल स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, बट जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग फिर से सेंटेंस लगा देंगे। हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इसको बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए ढेर सारा एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, हालांकि वो एक अच्छा टीचर है, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ाता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ऑल्दो ही इज अ गुड टीचर, ही डजंट टीच। ऑल्दो ही इज अ गुड टीचर, ही डजंट टीच। यानी तो कह सकते हैं दो ही इज अ गुड टीचर, ही डजंट टीच। दो ही इज अ गुड टीचर, ही डजंट टीच। हालांकि मैंने उन पांचों कंजक्शन में किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। यदि आप ऑल्दो के साथ यूज करना चाहते हो तो येट लगा सकते हैं, ऑल्दो ही इज अ गुड टीचर, येट ही डजंट टीच। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, भले ही मैं बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इवन दो आई ईट वेरी लिटिल, हाउएवर आई एम गेटिंग फैट। इवन दो आई ईट वेरी लिटिल, हाउएवर आई एम गेटिंग फैट। हाउएवर को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, भले ही एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे जरा से भी चोट नहीं आई। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इवन दो इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, आई डिडंट गेट एनी इंजरी। इवन दो इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, आई डिडंट गेट एनी इंजरी। नेक्स्ट सेंटेंस, हालांकि मैं बिजी हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए समय है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा दो आम बिजी, आई हैव टाइम फॉर यू। दो आम बिजी, आई हैव टाइम फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हालांकि उसने दवाई ले ली है, पर फिर भी उसे बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा दो ही हैज नॉट टेकिंग द मेडिसिन, येट ही इज नॉट फीलिंग बेटर। दो ही हैज नॉट टेकिंग द मेडिसिन, येट ही इज नॉट फीलिंग बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, हालांकि मैं इस कंपनी के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, मीन्स बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, पर फिर भी या उसके बावजूद भी मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इवन दो आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस कंपनी, आई डोंट गेट अ प्रमोशन। इवन दो आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस कंपनी, आई डोंट गेट अ प्रमोशन। नेक्स्ट सेंटेंस, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं हमेशा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा दो आई डोंट नो मच इंग्लिश, येट आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ऑल दो आई डोंट नो मच इंग्लिश, येट आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आर करेक्टेड। Thank you for watching my video and do not forget to share this video.